brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. अब्बास अंसारी ने प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक भी माननीय सीजीएम महोदय को बताया कि जेल में जो है उनकी जीवन की सुरक्षा को काफ़ी खतरा है और उनके विरोधियों द्वारा जो कि उनके पिता की हत्या में शामिल हैं उनके द्वारा लगातार जो है जेल प्रशासन से मिल करके कासगंज जेल के अंदर उनकी हत्या कराए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और उनके खाने में भी जहर मिलाने की आशंका बराबर बनी हुई है। तो अब्बास अंसारी को सता रहा है हत्या का डर, जेल में जहर देकर मार डालने का डर। अब्बास के मुताबिक उनके पिता मुख्तार अंसारी की ही तरह उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है। उनके विरोधी कासगंज जेल प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें जहर देकर मार सकते हैं और अब वो लगा रहे हैं सुरक्षा की गुहार। एक केस के सिलसिले में गाजीपुर सीजीएम कोर्ट में वर्चुअली पेशी के दौरान अब्बास ने सुरक्षा की मांग की तो वहीं मुख्तार के करीबी अफरोज उर्फ चुन्नू को भी अपनी जान की चिंता सता रही है। देखिए, एक अबू फकर खां मुकदमा थाना कोतवाली गाजीपुर में कराए हैं जिसमें कि अब्बास अंसारी और अफरोज खान दोनों लोग अभियुक्त हैं। तो माननीय सीजीएम महोदय गाजीपुर के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल पेशी जो है दोनों लोगों की हुई थी जिसमें अब्बास अंसारी जो है कासगंज जेल से पेश हुए थे और गाजीपुर जेल से अफरोज खां को लाया गया था। तो वीसी के दौरान जो है माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ अब्बास अंसारी ने प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक भी माननीय सीजीएम महोदय को बताया कि जेल में जो है उनकी जीवन की सुरक्षा को काफ़ी खतरा है और उनके विरोधियों द्वारा जो कि उनके पिता की हत्या में शामिल हैं उनके द्वारा लगातार जो है जेल प्रशासन से मिल करके कासगंज जेल के अंदर उनकी हत्या कराए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और उनके खाने में भी जहर मिलाने की आशंका बराबर बनी हुई है और डॉक्टर द्वारा कैमरे की निगरानी में कोई भी जांच नहीं की जाती है। अब खाने में भी जहर मिलाया जा सकता है। तो माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया है जिस पर कि सीजीएम महोदय द्वारा जेल सुपरिटेंडेंट कासगंज को आदेश पारित किया गया है या अब्बास अंसारी को कैमरे के सीसी कैमरे की निगरानी में उनके खाने की जांच कराई जाए और उनके प्रत्येक कार्यों को सीसी कैमरे की निगरानी में उनको रखा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरी व्यवस्था किया जाए। ये गाजीपुर सीजीएम ने किस तारीख में किया? 6 अप्रैल 2024 को। मौत के बाद 6 अप्रैल 2024 को उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक भी सीजीएम महोदय को उन्होंने बताया। तो अब्बास अंसारी के वकील के मुताबिक अब्बास की अपील पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को लेटर लिखकर आदेश दिया है कि अब्बास के हर काम को सीसीटीवी कैमरे में रखा जाए और अब्बास अंसारी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने भी उसे जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। मुख्तार ने बकायदा लेटर लिखा था और आरोप लगाए थे कि जेल में उसकी जान को खतरा है और उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसके बाद 28 मार्च को जेल में मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत खराब होती है। उन्हें जेल प्रशासन बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाता है जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद से मुख्तार का परिवार लगातार मुख्तार को जेल में जहर देकर मारने का आरोप लगा रहा है और अब परिवार को चिंता है अब्बास की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब्बास 3 दिन के लिए कस्टडी पैरोल पर पिता मुख्तार की फातिहा में शामिल होने के लिए गाजीपुर आए थे और आज फिर से उन्हें कासगंज जेल ले जाया गया। वैसे अब्बास के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।